नमस्कार, मुद्दा एक है और बातें दस। और इस वक्त एक मुद्दा जो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, एक नाम जो पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है, एक नाम जो हर खबर, हर समाचार, हर सुर्खी में सबसे अव्वल है, और वो है आईएसआईएस। आखिरी आईएसआईएस नाम का संगठन है क्या बला? इसका जन्म कैसे हुआ? इसके मंसूबे क्या हैं? वो कौन लोग हैं जो इस खूनी संगठन को इतनी ताकत दे रहे हैं? जानते हैं एक मुद्दा दस बातें। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इसे इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड दी लिवेंट भी कहते हैं। यह एक जिहादी संगठन है जो कि इराक और सीरिया में इस्लाम के नाम पर हिंसा फैलाता है। यह अपने आप को जिहादी जरूर कहता है, लेकिन दरअसल है ये फसादी। अलकायदा से अलग हुए इस संगठन की स्थापना अप्रैल 2013 में हुई थी। इराक में अबू मुसाब अल जरकावी के नेतृत्व में लादेन का आतंकवादी संगठन अलकायदा काफी सक्रिय था। जरकावी ने इराक में बहुसंख्यक शियाओं के खिलाफ युद्ध भड़काने की भी कोशिश की। 2006 में इराकी अलकायदा ने खुद को द इस्लामिक स्टेट इन इराक यानी आईएसआई कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अप्रैल 2013 में सीरिया में गतिविधियां बढ़ने के बाद इसके साथ एंड सीरिया भी जुड़ गया, यानी संगठन का नाम हो गया आईएसआईएस या आईएस। इब्राहिम अव्वद अल बद्री उर्फ अबू बकर अल बगदादी आईएसआईएस का मुखिया है। 29 जून 2014 को इस संगठन ने अपने मुखिया को पूरी दुनिया का खलीफा घोषित कर दिया। बगदादी कभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करता, यहाँ तक कि अपने कमांडरों से बात करते समय भी वह मास्क पहनता है। इराक के समारा शहर में 1971 में जन्मा अल बगदादी इस्लामिक स्टडीज में डॉक्टरेट है। यह अपने शहर में धार्मिक कार्यकर्ता भी रह चुका है। आईएसआईएस दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन भी है, जिसका सालाना बजट करीब 220 अरब डॉलर का है। एक जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस की वर्तमान में कुल संपत्ति 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आईएसआईएस की आय का मुख्य स्रोत तेल की तस्करी, लूटपाट और अवैध वसूली है। यह संगठन अपहरण कर फिरौती वसूलने से लेकर पूरा संपदा को बेचकर पैसा भी बनाता है। कई बैंकों की लूटपाट में भी इसका हाथ रहा है। इसने न केवल अमूल्य पुरातात्विक संपदा को नष्ट किया है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों के तौर पर सुरक्षित रखे गए 3,500 वर्ष पुराने नगर नमरूद और सीरियाई शहर पलमायरा को भी बारूदी सुरंगों से उड़ा दिया। आईएसआईएस के लड़ाकों की संख्या 40,000 के लगभग बताई जाती है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत बड़ी तादाद में कई विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं। आईएसआईएस में भारत के भी 23 लोग शामिल बताए जाते हैं। इनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना से हैं। हालांकि दक्षिण एशियाई, दक्षिण अफ्रीकी लड़ाकों को अरबी लड़ाकों की तुलना में कमतर माना जाता है और इन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। इन्हें जिहादी दुल्हनें भी नहीं मिलती, जो कि इस संगठन से जुड़ने की अहम वजह बताई जाती है। एक गौरतलब बात यह भी है कि यूरोप में और अन्य स्थानों पर जितना बड़ा मुस्लिम समुदाय उन देशों की जनसंख्या की तुलना में है, उस हिसाब से भारत में दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बहुत ज्यादा लोग अभी आईएसआईएस में शामिल होने की ओर आकर्षित नहीं हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आईएसआईएस अपने लड़ाकों को $400 प्रति माह तक का वेतन देता है। बीच में यह भी खबर थी कि संगठन ने अपने लड़ाकों का वेतन घटा दिया था, जिससे 200 से ज्यादा लड़ाके संगठन छोड़कर भाग गए थे। मतलब मसला पैसे का है, धार्मिक लड़ाई का कतई नहीं। हालांकि संगठन छोड़कर भागना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि संगठन से जुड़ने वालों का पासपोर्ट जला दिया जाता है, उन्हें जिन्न के नाम से डराया भी जाता है। आईएसआईएस पहला ऐसा आतंकवादी संगठन है जो दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं को खुद से जोड़ने के लिए तकनीक और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करता है। दुनिया में दहशत फैलाने के लिए यह संगठन सोशल मीडिया पर नरसंहार के फोटो और वीडियो भी अपलोड करता है। पेरिस में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत पर भी आतंकी संगठन आईएसआईएस का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सरकार की ओर से भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम को सावधान रहने के लिए कहा गया था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत सहित पूरी दुनिया को आईएसआईएस से खतरा है। पेरिस हमलों के बाद अमेरिका और फ्रांस ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। इस बीच रूस ने भी आईएस के खिलाफ हवाई हमले किए। रूस को सीरियाई शासक बशर अल असद का समर्थक माना जाता है, जबकि अमेरिका को असद विरोध गुट का। इसके चलते दोनों महाशक्तियों के बीच मनमुटाव भी सामने आया है। पिछले दिनों तनाव जब चरम पर पहुंच गया था, तब तुर्की ने रूस के एक लड़ाकू विमान को अपनी सीमा का अतिक्रमण करने के चलते मार गिराया था।
यह कुख्यात आतंकवादी संगठन दुनिया में कट्टर सुन्नी इस्लामी राज्य की स्थापना की ख्वाहिश रखता है। इसकी मौजूदगी सीरिया के भूमध्य सागरीय समुद्री तट से लेकर बगदाद के दक्षिण तक है। आईएसआईएस की मंशा पूरे मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर प्रभुत्व जमाना है। कुछ समय पहले इस आतंकी संगठन ने एक इस्लामिक वर्चस्व वाली दुनिया का नक्शा भी जारी किया है। इसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले हिस्से को उसने खुरासान के नाम से चिन्हित किया है। तो हमने एक मुद्दा 10 बातें के जरिए इस आईएसआईएस नाम के इस बड़े खौफनाक संगठन को बहुत छोटे में जानने की कोशिश जरूर की है, लेकिन एक सवाल पर आप सबको छोड़ना चाहता हूं कि दरअसल आईएसआईएस या अलकायदा जैसे ये संगठन खड़े कैसे हुए। निश्चित ही आज की इस लोकतंत्र की और बढ़ती हुई दुनिया में, जिसमें उपनिवेशवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां तानाशाही के लिए भी कोई स्थान नहीं है, और इसीलिए लीबिया के गद्दाफी, इराक के सद्दाम हुसैन और मिस्र के हुस्ने मुबारक का खात्मा इस दुनिया के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं यही हुस्ने मुबारक, यही सद्दाम हुसैन और यही गद्दाफी आईएसआईएस और तालिबान जैसे संगठनों के सामने एक दीवार बनकर खड़े थे, और इन दीवारों के ढह जाने के बाद ये आतंकी नासूर और भयावह दैत्य बनकर इस दुनिया के सामने आ खड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इराकी सेना ने जो ताकत आईएसआईएस को दी है वही आज दुनिया के लिए अभिशाप बन गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के ये चौधरी जिस तरीके से कभी तानाशाहों को खड़ा करते हैं, कभी बर्बाद करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने इन आतंकी संगठनों को कभी खड़ा किया है, और जब वो उनकी बर्बादी की ओर बढ़ने लगे, उन्हें खत्म होने के नाम पर वो एकजुट होने का झूठा दिखावा कर रहे हैं। एक मुद्दा 10 बातें।